पाकिस्तान की जीतने की खुशखबरी पहले से मिल गई लोगों को। नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं। एक ऐसी इंसान की कैफियत आती है ना जब उसको इतनी नींद आ रही होती है कि इंसान कहता है कोई गल नहीं, मैच भी हो रहा है तो जान दियो, जंग भी हो रही है तो जान दियो, एग्जाम भी है तो जान दियो, वो वाला टाइम है। मिस्टर वासीम सलीम सवेरे 5:30 बजे उठ गए ने। नींद आई है डैडी, सारिया नु नींद आई है। ते वसीम भाई दी पर्सनल फिरारी ते जा रहे हैं। अखा बंद कर लो, सोंदा टाइम है। क्लोज योर आईज किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब पता चलेगा आपको। देखो सवेरे 5:30 बजे वहां निकल पई है, लोग उठ पड़े हैं, सारे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे ने, सारे पाकिस्तान नू सपोर्ट करन जा रहे ने, तई दा मैच जीतन जा रहे हैं, पाकिस्तानी टीम दी सेलिब्रेशन जड़ी होएगी वो करन जा रहे हैं। जी बिलाल साहिब आप कहां जा रहे हैं? बिलाल भाई इस वक्त नींद में है और नींद पता नहीं किस में है, जाने को ये भी ऑस्ट्रेलिया जा सकती है लेकिन ये भी नाराज है हमारे साथ। आके खोलो। और मेरे पाकिस्तानियों, भारत के शहरियों, बाल्टियां ले आना, पानी नहीं खड़ा होने देना, हमने वाइपर ले लो, सारे छापर पकड़ लो, बारिश होवे ना होवे हमने खेलना है। आ गए नींद में आ गए, एयरपोर्ट आ गए। गुड मॉर्निंग, ऑस्ट्रेलिया गए हो पहला फर्स्ट टाइम? ये जाग के सो रहे हैं भाई, जाग के सो रहे हैं। अच्छा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि यू वोंट बिलीव, अभी 20th है और ये टिकट इशू हुई है 19th को, तो ये कल टिकट ली है एक दिन पहले, इतना लास्ट मोमेंट प्लान बना। सीट ही कोई मिल नहीं रही थी, सीट ही नहीं मिल रही थी, मैंने उनसे कहा मुझे जहाज़ की डिक्की में भी जगह दे दो, मैं उसमें भी चला जाऊंगा, और जो मिल रही थी उनमें स्टेज बहुत लंबे थे, क्योंकि दोहा जा के कहीं एक दिन उधर गुजारा, दुबई में 6 महीने गुजार के आगे जाओ, दिल्ली का भी स्टॉप ओवर आ रहा था, तो सीटें ही अवेलेबल नहीं थी। लेकिन फिर तुहानू पता जब आपका भाई इरादा कर ले तो फिर तो भाई वीज़ा रोक लिया, कहते हैं आपका पीछे से वीज़ा अप्रूवल नहीं आ रहा, मैं को घर से प्रिंट करके लाए हूँ अपना वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लवाया कि नहीं, टेंशन हुई है वीज़ा लवाते, मैं पता है इसका सुन रहे हैं आप सर, इसका ये देख ले तबीयत खराब कर देने वाला इसका फेक एक्सेंट। How much do you guys pay me for this? I would love it now. चलो अपनी दोस्तियां बाल, तू ऐसे गल्ला कर, मैं मैच वेट करना। 23 को पाकिस्तान इंडिया का जो हम मैच देखने जा रहे हैं, मैं आप सबको बताता चलूं कि एक तूफान होगा, एक जज्बा होगा, जुनून होगा। लंदन नहीं देखते मैच, उसे स्टेडियम में देखना है। फ्लाई करने तो पहला राशन ले रहे हैं, ये मैंने उठा लिया प्रोटीन बार, तुमने ले लिया च्युइंगम, तुम्हारी हो गई ये एक्सप्रेसो से गो। 23 का मैच हम जीतेंगे या 23 का मैच हम जीतेंगे, 23 का मैच हम जीतेंगे या 23 का मैच हम जीतेंगे, जीतेंगे। मुझे कुछ दवाई दे दो कि अगर हमारा रन रेट ठीक ना हुआ, हमारी बाउंड्रीज ना लग रही तो उस वक्त मैं स्टेडियम में कौन सी दवाइयाँ खाऊंगा। फिलहाल साहब दोहा आ गए हैं यार, तुम्हारा माइंड क्यों चेंज हो जाता है, हम ऑस्ट्रेलिया के नहीं निकले, तुम दोहा आके कह रहे हो हम लाहौर चलते हैं, ये क्या बात है भाई? 2 घंटे दूर है, जरा इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैलेबल होना चाहिए, हर वक्त यू शुड कीप ऑन थिंकिंग के बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम को सपोर्ट करने जाए, 23 का मैच जीते, तुम क्या किस तरह तू दुआ कर पाकिस्तान से बैठ के, मैं तो कह रहा हूं यहां से चेंज कर लेती हूं जो है,
14 घंटे यार खर्चा पैसे टाइम बंदा पैसे क्यों कमाता है एंजॉय करने के एंजॉय करांगे ना मैच ते जाके एंजॉय करांगे एंजॉय तो घर बह के भी हो सकता है एंजॉय तो घर बह के बहुत सारी जिंदगी कीता नहीं है एंजॉय बिलाल साहिब ये लोग कह रहे हैं पानी का मसला है बारिश हो जाएगी ये वो इस पे आपका क्या कहना है जिंदगी में सिर्फ मुझसे सॉल्यूशंस की बात करो मुझे प्रॉब्लम्स का ना बताओ बारिश हो जाएगी तो क्या हुआ तो उसका सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन ये है आए अगर बारिश होगी तो हम जाके सबसे पहले हम लगाएंगे वाह बड़ा सॉल्यूशन है भाई एडा पानी कल्ला काट लेगा पाकिस्तान की जीतने की खुशखबरी पहले से मिल गई लोगों को हाँ जी मेलबर्न आ गए हैं पहुंच गए हैं आंधे नाल तकल्लुफ आते साथ तकल्लुफ शुरू कर दिए उन्होंने चेक दे दिया कि तुम जो इधर आए हो ये कैश करवाओ और हमारी तरफ से तुम एंजॉय करो यार फिर की 14-15 घंटे की फ्लाइट के बाद उन्होंने स्पा के पासिस दिए हैं भाई ए जो आते हो ना दूजे मुल्क तो ए इन्फॉर्मेशन मांगते ने कहते ने कि कितने ठहरे हो कौन हो क्यों आए हो इन्फॉर्मेशन मांगते ने मैनू लग गया कि तकल्लुफात च पै गए ने मेहमान नवाजी तो आपको पता हम लोगों के अंदर तो एक मेहमान नवाजी है यार ये देखो एयरपोर्ट पे यहाँ पे इतनी आवाम आई हुई है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए 23rd इज नॉट अ स्मॉल डे आपका क्या ख्याल है 23rd के बारे में व्हाट आर यू फीलिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड गेम मैन दैट्स इट आई एम स्टिल फॉर अ गुड गेम दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट वी डोंट वांट अ वन साइडेड अफेयर वी वांट अ गुड गेम यार क्या होगा अच्छा गेम होना चाहिए इंशाल्लाह अच्छा अक्सर मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ ना मेरी एक्साइटमेंट देख के लोग कहते हैं ओए कि पहली बार गए हैं लगता है पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं अक्सर लोगों की एक्साइटमेंट मैं देखता हूँ लेकिन मेरा ये मेरी एक्साइटमेंट वैसी की वैसी रहती है तो कहने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था दैट वॉज 2017 तो स्मूथ मैं पाकिस्तान में भी इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता जितनी जल्दी निकल गया था इस दफ़ा भी जल्दी निकल गया लेकिन मैंने इमीग्रेशन वाला कहता जरा सैड तो आई मैं क्या होया की है कहना गल तो समूथ मैं क्या कर लें गल कहते क्यों आया मैं क्या मैच वेख कहता कब है मैच तेन बड़ा दुख होया कि मैच के बारे नहीं लोगों इतने पता इन्ना व्डा मैच पाकिस्तान वर्सिज इंडिया का किस तरह हो सकता है मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में नेशनल हॉलीडे होना चाहिए 23rd को आप समझ रहे आप लोग बात हाँ क्या हुआ पप्पा ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया क्या सरप्राइज ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं पप्पा ऑस्ट्रेलिया आए मैच के लिए किधर लेकिन चलो यही सही फिर पापा मिस यू जी पापा घबराना नहीं वो कह रहे ब्रदर गाड़ी कहाँ है लेवल वन पे लेवल है बंदे का लेवल है तो फिर गाड़ी लेवल वन पे है ना ये लेवल तो 23 को होगा ये तो होगा करीब नहीं हो सकता मेलबर्न बहुत दूर है मुझे लगता है घंटा और आगे जन्नत आ जाएगी भाई मेलबर्न का सफर शुरू हो गया है नुमान भाई हमारे पास आ गए नुमान भाई ने जो शर्ट पहन ली है ना एक दफा ये बीच पे लेके जा रहे हैं नुमान भाई हमें मैंने उनसे कहा मुझे अभी बीच पे नहीं जाना सेलिब्रेशन होगी पाकिस्तान के जीतने के बाद वो कहते हैं नो नुमान भाई क्या बात है द पार्टी हैज स्टार्टेड द पार्टी इज हियर द पार्टी ऑस्ट्रेलिया पीटीसीएल को कंपटीशन दे रहा है इतना स्लो नेट है जो पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले नेट की स्पीड थी आज है ऑस्ट्रेलिया में मिस्टर बिलाल ये तार वाला इंटरनेट चल रहा है और ये लग रहा है मोबाइल में तार डली हुई है नो 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 आप लोग वीडियो कॉल करते हो आप लोग एक दिन पहले मिलाते होंगे
इतना स्लो इंटरनेट आ रहा है। ये बादल है जिनसे टेंशन, ये बादलों का मसला है सारा। तो हम लैंड होते साथ ही एक फंड रेजिंग इवेंट हो रहा है फॉर फ्लड विक्टिम्स इन पाकिस्तान, उस पर जा रहे हैं। भी ये लिया है, जेल शैम्पू लिया है, इधर ही पब्लिक बाथरूम में रेडी हो जाएंगे। मैनेज ही करना होता है ना, मैनेज करना होता है। अब ये नहीं है कि ओ हो मेरे पास चीज़ें नहीं, मैं तैयार कराऊंगा। यू कैन मैनेज, आपके पास पास को दुकान है क्यों नुमान भाई, वहाँ से आप सामान ले, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आप रेडी हो आदमी, आपको तैयार नहीं करना। नहीं नहीं, खूबसूरती तो इंसान के अंदर होती है, तैयार नहीं हो रहे, बस थोड़ा सा सलीका ला रहे अपने अंदर इवेंट पे जाने से पहले। सलीका सलीका So we're in Melbourne and this is for my vlog. And so we're all in agreement that Pakistan is winning. Pakistan. ये इसका दिसंबर में फाइट है, ये हमारा बॉक्सर है, इसको भी सपोर्ट करना है। डन, एक्शन करके दिखा दे जल्दी से। ये कम ऑन, यू गॉट टू सरवाइव। हां नहीं नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। ये भाई मुझे मिले, मैंने इनको बोला मेरा बड़ा लास्ट मोमेंट प्लान बना है, तो मैंने टिकट भी लास्ट मोमेंट खरीदी है और होटल भी अभी अपने लिए बुक नहीं कराया। उन्होंने होटल बुक करा के मुझे कहते हैं आप इधर चेक इन करें। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, दिस इज नॉट मी। ये आपका मोहब्बत है लेकिन आई डोंट बिलीव इन, मतलब ये मोहब्बत है, आप दुआ करें ये होटल मेरे लिए बुक करना, मेरे लिए ये गिफ्ट्स, आई डू नॉट बिलीव इन इट। मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए बस। ये सारे हमें मिले हैं मेलबर्न में, मेलबर्न ये सब अमेजिंग है। इंडिया ऑफ कोर्स, लॉट्स ऑफ लव। अरे यार 23rd को आप जा रहे हो मैच देखने? अरे यार ये देखिए यार, ये कितने स्वीट है यार। मैं क्यों नहीं आता हर महीने ऑस्ट्रेलिया? ये देखिए, अभी आपने क्या बोला कि आप लोग मेरा पीछा पीछा करते हैं, यहाँ पहुँच गए। वो मेरा पीछा, मैं पुलिस को बुलाने लगा, ये तो आप लोग बड़े स्टॉकर्स हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये आप लोगों का प्यार है यार, इतना प्यार मिल रहा है मुझे मेलबर्न से, इतना कि मैं इस लड़के ने, मैं जब अंडरग्रेड कर रहा था, मेरी कंप्यूटर साइंस की असाइनमेंट थी, इसने मुझे ना मिले हुए ना चाहते हुए मेरी हेल्प की थी इसने, और मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। मुझे ये भाई मिले, मैंने कहा क्या करते कहते आई मीन फाइनेंस, मैंने कहा फाइनेंस का बड़ा इशू चल रहा है, कोई हेल्प कर दे। फाइनेंशियल एडवाइस मांग रहा हूँ, फाइनेंशियल लोन नहीं मांग रहा। ये सब ऐसे नहीं हो जाता, ये काम करना पड़ता है भाई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप वीडियो बना रहे हैं, आप कह रहे हैं ये ठीक है, हंसी मजाक चलता है, बट हर चीज आई हैव माई वर्क, उसके अंदर एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, आई हैव टू डील विद पीपल। यहाँ सिडनी पहुंच के टिकटें लेकर आए ना, फ्री में तो नहीं आए टिकटें, किस टिकटों के लिए क्या पैसा देना पड़ता है, पैसे के लिए हैव टू वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेस लो, बट जब आपने काम को टाइम देना, काम को टाइम दो, जब शुगर करना है शुगर लगाओ। तो आप जो मुझसे एक्सपेक्ट करके, मोहम्मद भाई आप तो 24 घंटे हंसते होंगे, मेरी कोशिश होती है मैं हर चीज अच्छे तरीके से कर लूं, बट देर आर टाइम्स व्हेन आई हैव टू डील विद माय वर्क। ऑस्ट्रेलिया आया हूं, खुद आया हूं, अपनी टिकट अपने पैसों से ली है, ठीक है, तो वो उसके लिए काम करना पड़ता है हर चीज। पॉइंट इज कि आप भी जब हंसी मजाक करो लेकिन जब काम करना हो काम करो। हाँ लेकिन तुम अगर कोई स्पॉन्सर लग जाए ऑस्ट्रेलिया ले जाने वास्ते फिर ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज लाइक, ठीक है। वो लोन मिल सकता है आपसे? बिल्कुल, गाड़ी दे दे।